हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, सबका गैप शेड्यूल पे चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी आप साइड बाय साइड कर रहे हैं। तो आप सबकी एक रिक्वेस्ट थी कि सर, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसको एक शेड्यूल से बनाइए और जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो भी ऐड कीजिए। तो उसी रिक्वेस्ट पे हम आपको आज इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारी जो हमसे हैं साइंस की और इंग्लिश की क्लासेस भी चलेंगी जो 6 PM पर चलेंगी। आपके सामने शेड्यूल आ रहा है, ठीक है। और जो हमारी 10 PM की क्लास होगी रात की, वो चलेगी हमारी सोशल सिक्योरिटी और इम्पोर्टेंट MCQs अल्टरनेट्स पर। ऐसे ही साइंस और इंग्लिश भी अल्टरनेट पर चलेगा और गैप और इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ तो आपका चल ही रहा है 3:30 वाली क्लास में, ठीक है। तो ये शेड्यूल आप सेव कर सकते हैं, आपको हर हफ्ते के हफ्ते आपको शेड्यूल मिल जाया करेगा। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को अपलोड हो जाएगा, वरना संडे मॉर्निंग तक अपलोड हो जाया करेगा ये यूट्यूब पर, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में करा था, हमारा रिजर्व्स पे हमने चर्चा करी थी कि कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व होते हैं। कैपिटल जो कैपिटल प्रॉफिट में से निकलते हैं, रेवेन्यू जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से निकलते हैं, हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के प्रॉफिट में से निकलते हैं, राइट। फिर हमने एक बाइफर्केशन करी थी रिजर्व में कि जनरल और स्पेसिफिक होते हैं। जनरल जो जनरल पर्पज़ के लिए होते हैं, स्पेसिफिक जिनका एक पर्टिकुलर पर्पज़ होता है पहले से, जो हमने फंड बनाने के लिए वो रिजर्व बनाने के लिए सोचा था, वो एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने रिजर्व फंड पर चर्चा करी थी। रिजर्व फंड में हमने कहा था कि जो हमारा पैसा हम रिजर्व में निकालते हैं वो हम आउटसाइड द बिजनेस कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वो पैसा हमारा सेफ रहे, उस पर हमें रिटर्न भी आती रहे। ऐसे सिंकिंग फंड था, सिंकिंग फंड में हमने करा था कि ये किसी लाइबिलिटी के लिए फंड क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास का जो हमारा मुद्दा है वो है प्रोविजंस के ऊपर। जैसे रिजर्व्स और प्रोविजंस यूजली क्या होता है कि हम लोग सेम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में दोनों चीज़ें अलग होती हैं, ऑल दो दोनों का ट्रीटमेंट कुछ 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 चीज़ों में सेम होता है, लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो सबसे पहले हम प्रोविजंस को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोविजंस होते क्या हैं। अब जो हमारे पास रिजर्व्स थे, रिजर्व्स क्या थे कि हमारे पास एक पिज़्ज़ा था, ठीक है। उसमें से हमने एक पीस को साइड पे कर लिया था, ठीक है, ये था हमारा रिजर्व। लेकिन प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन होता है कि हमारा जो पिज़्ज़ा था, ये बनाने से पहले ही उसके डो में से, उसके आटे में से हमने थोड़ा सा आटा निकाल लिया, ठीक है। उससे क्या होगा, जो हमारा पिज़्ज़ा है, जो हमारा प्रॉफिट है, ये थोड़ा रह जाएगा, ये बनेगा ही छोटा, और इसमें से हम कोई अलग से पीस नहीं काटेंगे। हमने वो पिज़्ज़ा बनाने से पहले ही इसका आटा निकाल लिया, तो ये आटा है प्रोविजन, ठीक है। तो प्रोविजन क्या हुआ कि प्रॉफिट निकालने से पहले ही हमने एक खर्चा डाल दिया अपनी कंपनी में। वो खर्चा किस चीज़ का हो सकता है? वो खर्चा किसी लाइबिलिटी के लिए हो सकता है। कोई हमें फ्यूचर में लाइबिलिटी दिख रही है, या हमें दिख रहा है कि हमारे इस एसेट की वैल्यू कम होगी, इसके लिए भी हो सकता है वो खर्चा। तो वो खर्चा हम साइड कर देते हैं, साइड रख देते हैं, अपना लॉस दिखा देते हैं, एक्सपेंस दिखा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोविजन, ठीक है। एन अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट निकालने से पहले आपने एक अमाउंट साइड कर ली। रिजर्व्स में हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग से रख रहे थे, ठीक है। हम उसको कहीं खर्चा नहीं कर रहे थे, बस उसकी अप्रोप्रिएशन कर रहे थे, उसको अलग से एक अलग डब्बे में रख रहे थे, ठीक है। प्रोविजन किस लिए होते हैं? सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट टू कवर एन एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट इवन दो द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द सेम माइट बी अननोन। मतलब ये अंदाजे से, एक एस्टिमेट से एक अमाउंट निकाली जाती है। हो सकता है आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू भी हो और हो सकता है आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू ना भी हो, तो भी आप प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोविजन रिजर्व की तरह हमारी सेविंग नहीं है, ये एक रिकग्निशन है अपकमिंग खर्चे का। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट निकालने से पहले हम उसे चार्ज कर देते हैं हमारी अकाउंट्स में। प्रोविजन एडजस्ट द करंट ईयर बैलेंस टू बी मोर एक्यूरेट बाई इंश्योरिंग दैट कॉस्ट आर रिकोगनाइज इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एज अ रेलिवेंट एक्सपेंस। अब ये पॉइंट क्या कहता है, हमने एक पढ़ा था हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता था? मैचिंग प्रिंसिपल कहता था कि जिस अकाउंटिंग पीरियड का जो खर्चा है वो उसी अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू के साथ उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकोगनाइज किया जाए, ठीक है। तो होता क्या है, अब आप सपोज कीजिए आप एक एसेट यूज़ कर रहे हैं। एसेट हमने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा था, तो डेप्रिसिएशन में हमने दो मेथड करे थे कि डेप्रिसिएट आप उसी साल में भी कर सकते हैं, उसकी एसेट की वैल्यू भी कम कर सकते हैं, या
उसका एक प्रोविजन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रोविजन क्या था, वो यही प्रोविजन था कि जब आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो वो एक्चुअली उसी अकाउंटिंग पीरियड का कॉस्ट है, ठीक है। और हम जो रेवेन्यू है हमारा वो उसी साल में हुआ, तो ये जो कॉस्ट और रेवेन्यू है हम एक ही ईयर में चार्ज कर देते हैं ताकि हमारा जो मैचिंग प्रिंसिपल है ये वायलेट ना हो। हमारा जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है, हमने जो मशीन उसी साल में यूज़ करी उसका जो खर्चा है वो इसी अकाउंटिंग पीरियड में हमारा रिकग्नाइज हो जाए, तो इसके लिए हम प्रोविजन भी बना सकते हैं बजाय कि अपने एसेट की वैल्यू डाउन करने के। तो प्रोविजन क्या होगा, प्रोविजन उसके लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, एसेट के एंटी आ जाएगा। इसका प्रोविजन का एग्जांपल क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बैड डेट्स होते हैं कि आपका आपने किसी से पैसे लेने हैं लेकिन वो मना कर गया या दिवालिया हो गया, तो उसे हम कहते हैं बैड डेट कि वो पैसा हमारा नहीं आएगा। तो इसके लिए भी हम प्रोविजन बनाते हैं, अलग अलग कंपनी की अलग तरह से पॉलिसी हो सकती है, कोई 5% बना सकता है, कोई 10%, ये भी एक एस्टिमेशन का पर्पस होता है, या कोई अगर बैंकरप्ट हो जाता है तो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाती है इसमें, ठीक है। तो ये क्या कहता है, प्रोविजन जो है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि हम प्रॉफिट निकालने से पहले ही प्रोविजन का जो है चार्ज कर देते हैं। और रिजर्व्स क्या था, हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था, माने हमारा प्रॉफिट निकालने के बाद उसका कुछ पार्ट हम अलग से किसी और पर्पस के लिए निकाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये चार्ज और अप्रोप्रिएशन की बात हो रही है हमारे पास, तो पहले इसी को देखते हैं कि ये होता क्या है, चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या फ़र्क है और दोनों किस हिसाब से वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो चार्ज होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है, उसे हम शो करते हैं, ठीक है, एक्सपेंस साइड पे। उसका होता, उससे क्या होता है, उससे होता है कि जो हमारा एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होता है, ये सिर्फ हम अपने रेफरेंस के लिए एक अलग से इसको, ये हमारी एप्रोप्रिएशन होती है कि हम जो हमारा प्रॉफिट था इस साल का उसको हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करेंगे। और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा अकाउंट होता है ये प्रॉफिट निकालने के लिए या लॉस निकालने के लिए बिजनेस का यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, जो चार्ज है वो एक एक्सपेंस है बिजनेस का, और एप्रोप्रिएशन है सिर्फ प्रॉफिट को साइड, एक उसकी बायफर्केशन है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यही कहता है कि ये एक एक्सपेंस या लॉस है बिजनेस का, जबकि एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ ये प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो इससे क्या होगा, इससे जो चार्ज है वो चाहे लॉस आ रहा हो बिजनेस में चाहे प्रॉफिट आ रहा हो, वो तो होगा ही होगा, इट मस्ट बी कंसिडर्ड इररिस्पेक्टिव वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। लेकिन एप्रोप्रिएशन क्या कहा हमने, एप्रोप्रिएशन कहा कि प्रॉफिट का हिस्सा है, तो ये कब होगा, तभी होगा जब हमारे बिजनेस में देयर इज प्रॉफिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं तो उसको हम एप्रोप्रिएट कैसे करेंगे, उसकी बायफर्केशन कैसे करेंगे, किसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चार्ज के ऊपर ओनर का कोई क्लेम नहीं होता, चार्ज जो हमारा वो प्रोविजन कर दिया है हमने, जो चार्ज कर दिया है उसके ऊपर ओनर ये नहीं कह सकता कि ये नहीं होगा या मुझे पैसे दे दो, ठीक है। लेकिन एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट हमने सिर्फ बायफर्केट करा था, तो प्रॉफिट पर ओनर का पूरा अधिकार रहता है। ऐसे ही चार्ज से प्रॉफिट डिक्रीज होता है और लॉस इंक्रीज होता है, लेकिन एप्रोप्रिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि ये सिर्फ हमारा मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है, ठीक है। आई होप किसी को, सबको ये प्रोविजन का छोटा सा एक टॉपिक था हमारा, ये क्लियर हो गया हो। बाकी किसी को कोई भी डाउट होती है तो आप मुझे बेहिचक पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या जो मेल आईडी प्रोवाइड की गई है, कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया, आप उस पर भी जब मर्जी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हमारा प्रोविजंस का, कि हमारा जो एक्चुअली प्रोविजंस बनते हैं वो किस हिसाब से बनते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड फॉर द बुक्स ऑफ एक्स एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2020। तो उन्होंने हमारे सामने एक ट्रायल बैलेंस दे दिया है जिसमें हमारे डेटर्स दिए हैं 4,10,000 के और बैड डेट्स दिए हैं 6,000 के, ठीक है। जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स होते हैं ये होते हैं जो एक्चुअली इनकर हो चुके हैं, जो पक्का हो गया है हमें कि ये तो होंगे ही होंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या कहती है कि राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 10,000,
फर्दर माने ओवर एंड अबव 6,000, ठीक है, एंड क्रिएट 10% प्रोविजन, मतलब ये जो हमारे डेटर्स हैं इसमें 10% का प्रोविजन बना दीजिए कि हमें डाउट है, इसमें से 10% हमारा जो पैसा है वो बैड डेट हो सकता है। तो सबसे पहले इसकी अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन की, इसकी अप्रोच होगी आपको जो हमारा बैड डेट का अकाउंट है आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आप क्या क्या चार्ज कर रहे हैं, राइट। अब बैड डेट में हमारे पास सबसे पहले थे 6,000 रुपीज, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि 10,000 रुपये और आप इसमें जोड़ दीजिए, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, तो टोटल बैड डेट हो गए हमारे पास 16,000 रुपये। ये तो हो गए पक्के बैड डेट जो हमारे हो चुके हैं, जो एक्चुअली इस पीरियड में हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो 10,000 है, ये वाला जो 10,000 है, ये हमने कहाँ से माइनस किया होगा, हमारे डेटर से। डेटर्स कितने थे हमारे पास, 4,10,000, और 10,000 माइनस हो गए यहाँ पर, बचा कितना, 4,00,000। अब सवाल क्या कहता है कि 10% प्रोविजन बनाइए, 10% जो प्रोविजन है वो किसका बनेगा, वो बनेगा हमारा जो बैलेंस डेटर्स है, क्योंकि ये तो बैड डेट हो ही गए, ठीक है, 4,10,000 में से 10,000 तो बैड डेट ही हो गए, ये तो हमें श्योर हो गया कि ये 10,000 तो गया, तो जो हमारा बैलेंस है उसका हम कहते हैं कि 10% प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन की अमाउंट क्या हो जाएगी, 4,00,000 का 10% माने 40,000 रुपये, ये आपका प्रोविजन बन जाएगा। तो एक बारी अगर इसकी जर्नल एंट्री देखें तो जर्नल एंट्री क्या होगी, आई होप सबको जर्नल एंट्री वाला चैप्टर याद है, अभी तो फ्रेश होना चाहिए, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने एसेट की वैल्यू, हमारे डेटर्स की वैल्यू कम की थी और एक खर्चा बनाया था, तो बैड डेट अकाउंट टू डेटर्स, सन्ड्री डेटर या डेटर आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10,000, राइट। अब हमने इसके बाद क्या करा था, हमने जो टोटल हमारा जो डेट बैड डेट्स का अमाउंट था वो प्रॉफिट एंड लॉस में भेजना होगा, तो वो एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट टू बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने थे टोटल हमारे पास, जी बिल्कुल 16,000, 6,000 पहले थे और 10,000 दोबारा हमें पता चल गया, तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी एंट्री। अब तीसरी एंट्री कौन सी होगी, तीसरी एंट्री होगी हमारी प्रोविजन की, जो हमने 40,000 रुपये अगले जो अकाउंटिंग पीरियड्स हैं उनके लिए क्रिएट किया है, कि ये हमें डाउट है कि ये वाला जो हमारा पैसा है ये मर सकता है, ठीक है। तो प्रोविजन किस साइड आएगा, प्रोविजन जो है वो चार्ज है, वो हमारा एक्सपेंस साइड आएगा, तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, कुछ भी लिख सकते हैं हम, अकाउंट कितनी अमाउंट करी थी हमने, 40,000। मैं पूरा टेबल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आई होप सबको ये क्लियर हो जाएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, पूरा टेबल ड्रॉ करेंगे तो क्लास का टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने हमारे हो गए ट्रीटमेंट। अब अगर सवाल पूछे कि आपको जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आपने डेबिट किया या खर्चा डाला वो कितना होगा, तो वो कोई बता सकता है, तो वो होगा हमारा टोटल जो था बैड डेट्स का अमाउंट, ठीक है, और इसमें हम जोड़ देंगे हमारा ये प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन भी जो है हमारा एक चार्ज है, एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो टोटल हो जाएगा 56,000, ये हो जाएगा हमारा इस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस आ जाएगा, राइट। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पे इतना ज़्यादा कोई फैक्चुअल क्वेश्चन भी नहीं आ सकता है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, आई होप किसी को कोई डाउट ना हो, और डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे मेरी ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर, राइट, थैंक यू।